उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। नमस्कार दोस्तों, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। फॉरेनर गुजरात में आ पहुंची गुजराती फिल्म आर्टिस्ट मुस्कान जोबनपुत्रा। बात की जाए तो गुजराती फिल्म आर्टिस्ट मुस्कान जोबनपुत्रा अपनी फिल्म जो होगा देखा जाएगा के प्रमोशन के लिए कोडिनार आ पहुंची, जिसमें उन्होंने बताया कि ये फिल्म द्वारा आज के नौजवानों के द्वारा हो रही आत्महत्या के बारे में ये फिल्म एक नया मोड़ लाएगी। फिल्म के प्रमोशन के लिए मुस्कान जोबनपुत्रा ने मीडिया के साथ बात की और बताया कि यह फिल्म एक नया ही दौर लेकर आ रही है। गुजरात से गिर सोमनाथ से सीमाबेन भट्टाचार्य के साथ उज्जवल भारत न्यूज के संवाददाता योगेश कुमार सती कुंवर की खास रिपोर्ट। आइए ताज़ा और देश भर की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जवल भारत न्यूज। मुस्कान जोबनपुत्रा शॉर्ट टाइम में जे थे जयू जैसे मूवी आए थे। साढ़ा चार वर्ष की फील्ड में छू और फर्स्ट मूवी गुजराती है। एंड आना पेला साढ़ा चार वर्ष पहला मैं अपने टर्निंग पॉइंट मूवी करेलू है, जे रियल स्टोरी पर हिंदी बॉलीवुड अने अत्यारे जे अमे जे थे जयू जैसे जे सफर हतुं ए बहुत सरस मजा, सारी टीम थी, सारो सपोर्ट हतो अने बस तमारो ज हवे सपोर्ट जोईए छे, कारण के अमारू मूवी जे थे जयू जैसे 2022। આ મૂવી એક મોટિવેશન ફિલ્મ છે જેમાં અત્યારની જનરેશન, યંગ જનરેશન છે જે નાના નાની પ્રોબ્લેમમાં સુસાઇડ કરવાનું વિચારી લે છે। સુસાઇડ એ સારી વસ્તુ નથી, તમે એનાથી ડરો ને સિચ્યુએશનથી લડો, બસ અમે એ જ શીખવા માગીએ છીએ કે સિચ્યુએશનથી લડો, જંગ કરો અને આગળ વધો અને સુસાઇડને ટાળો, કારણ કે સુસાઇડ તમે તો કરી લો છો પણ વાહે કેટલા બધા જણા ભોગવે છે, તમારા પાછળનું ફેમિલી આખું પ્રોબ્લેમમાં આવી જાય છે। અચ્છા, આજે પ્રમોશન માટે અહીં આવ્યો છો? હા, આજે હું પ્રમોશન માટે આવી છું। થેન્ક યુ। આ મૂવી છે જે કોડીનારમાં ન્યૂ એરા સિનેમામાં રિલીઝ થવાનું છે 1 જુલાઈ 2022, અને આમાં અમારી બોક્સ ઓફિસ ઉપર જે બી ઇન્કમ થશે એ 50% અમે જરૂરિયાતમંદને આપવાના છીએ।